नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतारा। कर्ज और घरेलू कलह से था परेशान, मामला अतरौलिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 का। आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत अतरौलिया के वार्ड नंबर 7 निवासी अशोक कुमार बर्नवाल, पुत्र स्वर्गीय कन्हैया लाल बर्नवाल, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अशोक कुमार बर्नवाल 3 भाइयों में सबसे छोटा था। वो अपने बड़े भाई के साथ अपने खुद के मकान में ही अलग रहता था। अशोक के 2 लड़के हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार के गुजर बसर के लिए अशोक ने लोहे की एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी, उसी से परिवार का खर्च चलता था। जानकारी के मुताबिक कल शाम परिवार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद देर शाम अशोक कुमार खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया, जबकि उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सोई थी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अशोक ने लोगों से ब्याज पर पैसा लिया था, बकायेदार उसे पैसों को लेकर परेशान करते थे और अपने पैसे मांगते थे। पैसों को लेकर बार बार दबाव भी बनाते थे, जिस पर अक्सर परिवार में विवाद होता रहता था, जिससे अशोक हमेशा तनाव में रहता था। आज शनिवार को दोपहर जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो लोगों को आशंका हुई। इस पर परिवार वालों ने 112 नंबर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर बने एक छोटे से कमरे में अशोक फांसी के फंदे पर झूल रहा था। सूचना पाकर पहुंचे उपनिरीक्षक उमेश चंद यादव ने लाश को कब्जे में लेकर आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अशोक तख्ते पर कुर्सी रखकर उस पर चढ़कर फांसी का फंदा अपने गले में लगाया था, उसके दोनों पैर मुड़े थे। घटना के विषय में पुलिस द्वारा उसके भाई अनिल बर्नवाल से भी जानकारी ली गई। मृतक अशोक के 2 पुत्र ऋषु बर्नवाल उम्र 18 वर्ष, प्रीतम बर्नवाल उम्र 15 वर्ष के हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि पत्नी पुष्पा देवी का इस घटना के बाद से रो रो करके बुरा हाल है। वहीं परिजनों द्वारा पंचनामा कराकर शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना मतलब आज 2-3 महीने से परेशान थे, टेंशन में थे, टेंशन में बच्चों को अपने मारते पीटते थे, झगड़ा झंझट करते थे, दारू शाम को पी करके आते थे, इसीलिए उनको इतना टेंशन था कि मकान हमें बेचने के लिए भी हम लोग इच्छुक थे, बेच करके कर्जा वर्जा मुक्त दे दिया जाए। मगर बीच में इनको इतना बड़ा टेंशन हो गया कि सब लोग तगादा वाले बैंक वाले आते जाते रहे, उसी के टेंशन में ये रात में जो सुसाइड किए। आज उसके पहले जो है वो 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक वो कमरे पे सोते थे, यही समझ करके हम लोग नहीं इनको जगाए कि हो सकता है सोए हैं, भाई किसी का लेन देन है, डर की वजह से तो आदमी अंदर रहेगा ही। तो इसी की वजह से जो है रात में थोड़ा सा टेंशन में थे, बच्चों को भी 2-4 तमाशा मारे हो रहे हैं। उसके बाद हम समझाए बुझाए, हम कि जब कोई कुछ नहीं है तो कर्ज है तो मर मकान बेच के दे दो, समाज में इज्जत से बढ़ के पैसा नहीं है, यही है कारण। तो क्या बजे लगभग आप पुलिस को सूचना दिए? पुलिस को सूचना हम 12 बजे हुई, दरवाजा तोड़वाए 12:30। सुनने में आ रहा है कि इन्होंने भी पैसा कई लोगों को बांटा हुआ था? हाँ, कई लोगों को ये लोग भी पैसा बांटे हुए थे, मेरे हाथ फेर कोई मांगा 10,000-20,000 रुपये दे देते थे, वो भी पैसा जो है नहीं मिल रहा था। कुछ लोग समझ रहे थे तो दे रहे थे और लोग भाई नहीं दे रहे थे, कुछ बैंक कर से कुछ लोगों से और पैसा लिए थे 2-3 लोगों से। अरे आपका कहना है आर्थिक तंगी को ऐसे? हाँ, आर्थिक तंगी जो है बहुत काफ़ी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।